अगली बात समझ में, वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस का डेरिवेशन थोड़ा समझना और ध्यान देना। लेंथ ही है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, पर लेंथ ही है थोड़ा सा। मान लीजिए सिस्टम है, और आपको पता है सिस्टम में हम लेंगे गैस को, दिस इज द सिस्टम। इसके अंदर एन मोल्स ऑफ गैस है, और ये सिस्टम एक्सपेंड हुआ कितना खिंचक गया, डीएक्स। तो आपको पता है कहानी क्या लिखनी है, लेट डी डब्ल्यू इज वर्क बाय सिस्टम टू चेंज वॉल्यूम टू डीवी। डीवी चेंज ला दिया उसने, तो डी डब्ल्यू वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, पी डीवी। तो आइसोथर्मल के लिए तुम्हें, एडियाबेटिक के लिए पता है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी कितना आ गया, के अपॉन में वी की पावर गामा इज इक्वल टू, और ये डीवी। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये डी डब्ल्यू, यहां पर के बाहर आ जाएगा, वन अपॉन में वी की पावर गामा और डीवी, वी इनिशियल से लेकर और वी फाइनल तक। बच्चों अब यहां पर इस गामा की पावर, मतलब वी की पावर गामा है, मतलब वन नहीं है जैसे पहले वन था, इसलिए अब यहां पर इसका जो प्रोसीजर इंटीग्रेशन का वही है जो पुराना प्रोसीजर होता है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू कॉन्स्टेंट के लिए के आ गया, अब वी की पावर है गामा, अगर वी की पावर गामा है तो वी की पावर हो गया माइनस गामा और साथ में डीवी। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर आएगा कि जो भी पावर है उस पावर में एक जोड़ दो और पूरी पावर को नीचे लिख दो, वी इनिशियल से लेकर वी फाइनल। अगर आप ध्यान से देखो, माइनस गामा प्लस वन चाहे ऊपर है पावर में चाहे नीचे, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, तो कितना ये बाहर आ जाएगा, वन माइनस गामा, यहां पर कितना रह जाएगा, वी की पावर वन माइनस गामा, वी इनिशियल से लेकर वी फाइनल। अब ऊपर जो वी है उस वी की जगह आप रख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी फाइनल की पावर वन माइनस गामा माइनस वी इनिशियल की पावर वन माइनस गामा। इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन अपॉन में वन माइनस गामा ब्रैकेट में के वी फाइनल वन माइनस गामा माइनस के वी इनिशियल वन माइनस गामा। अब आपको थोड़ा सा यहां पर अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी किस तरीके से, तो याद रखो P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा बराबर P फाइनल V फाइनल की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जहां पर आपको फाइनल वाले की जरूरत है वहां पर फाइनल वाला लिख लो, जहां पर इनिशियल वाले की जरूरत है वहां पर इनिशियल वाला लिख लो K को हटा के। तो W बराबर वन अपॉन में वन माइनस गामा ब्रैकेट में, यहाँ फाइनल वाले की जरूरत है तो क्या लिखूंगा, P फाइनल V फाइनल गामा इंटू में कितना, V फाइनल की पावर वन माइनस गामा माइनस K की जगह यहां पर P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा इंटू में V इनिशियल की पावर वन माइनस गामा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 7, लेफ्ट वाली साइड मिटा देता हूं। कर दिया, अब चलिए लेफ्ट वाली साइड मिटा देता हूं। तो बच्चों अब अगर हम लेफ्ट वाली साइड ये इसको इसको देखते हैं, तो यहां पर क्या बचा, देखो ध्यान से, यहां पर बचा वी फाइनल की पावर गामा है और यहां पर वन माइनस गामा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन में वन माइनस गामा कितना रह जाएगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, गामा वाला पार्ट दोनों में कट जाएगा।
फिर हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो क्या लिख देंगे, डब्ल्यू बराबर वन अपॉन में वन माइनस गामा, पी फाइनल बी फाइनल की जगह कितना हो जाएगा एन आर टी फाइनल माइनस पी इनिशियल बी इनिशियल की जगह हो जाएगा एन आर टी इनिशियल। एन आर कॉमन ले लो तो डब्ल्यू बराबर हो गया वन अपॉन में वन माइनस गामा ब्रैकेट में, सॉरी एन आर बाहर ले लेता हूँ, ब्रैकेट में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हमारे पास वर्क की डेरिवेशन आ गई एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैसीज कांस्टेंट है, गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक के लिए लिखा दी, अगर फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो गामा की वैल्यू आपको ब्रैकेट में गिवन रहेगी। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 8 स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। हो गया क्या? अगर डेरिवेशन की बात करूं तो आइसोथर्मल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली एडियाबेटिक वाली का, बट प्रैक्टिस दोनों की कर लेना। कंफर्म है इस बात का कि आइसोथर्मल वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आएगा ही आएगा। साफ कर दो इसको, 3 नंबर का डेरिवेशन आएगा भाई, अभी तक जो आया है मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा और इस साल भी आएगा। ठीक है, देखो ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक के लिए ग्राफ, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे आइसोथर्मल वाला जैसा दिखता था, देखने में वही है। अंतर क्या होगा वो आपको तब पता चलेगा जब दोनों को एक साथ बनाएंगे, और वो मैं आगे कराऊंगा इस। फिर यहां पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन इस बार एरो देख लो किस तरफ है, अर्थात जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा लगभग ऐसे। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, सही है? तो पीवी ग्राफ वीटी ग्राफ, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। हो गया क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 9 का। अगली क्लास मतलब कल ये चैप्टर खत्म होएगा। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको खुद से दो डेफिनेशन लिखनी है, और मेरे को पता है कि आप लोगों को सबको आती भी होगी ज्यादातर लोगों को। पहली डेफिनेशन है भाई, डिसाइड कर लो, एक एक 2 दिन डिसाइड कर लो, 1 दिन डिसाइड कर लो, एक 2 बजे से पहले मतलब 2 बजे तक खत्म करनी है। अगर आपको कोई भी डे समझ में आता है,
आप उस डे में क्लास ले सकते हो आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। ये तीन दो प्रोसेस आपको लिखने हैं, इनके डेफिनेशन लिखनी है, और इन दोनों ग्राफ के लिए आपको तीन ग्राफ बनाने, दोनों के तीन तीन। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। आइसोकोरिक कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फिर इन तीनों दोनों के लिए ये वाले ग्राफ बनाने हैं, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक क्लियर है क्या मेरी बात? अगली क्लास में मिलते हैं, मतलब कल, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मयंक भाई ये रिकॉर्डिंग भेज देना ताकि बच्चे देख लें, और कल वाली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, कल वाली क्लास में। चलो साफ कर दूं। नमस्ते भाई, कल मिलते हैं ना।